रूस और यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से हाथ से तिरंगा लेकर सकुशल भारत लौटी राजनांदगांव जिले के गंडई की बेटी श्रुति रानी ने गंडई पहुंचने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि भारत सकुशल पहुंचने के बाद वह बेहद खुश है। -4 डिग्री में कई किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध से जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। हाथ में तिरंगा झंडा थामे युद्ध क्षेत्र से गुजरते समय तिरंगे का सम्मान देखने को मिला। हाथ में तिरंगा झंडा देखकर कुछ घंटे के लिए युद्ध को रोक दिया गया था। श्रुति रानी पूर्व मंडी अध्यक्ष जीवन दास रात्रे की सुपुत्री है। उनके आवास पर सीएमओ गंडई प्रमोद शुक्ला पहुंचे और श्रुति रानी का मुंह मीठा कराकर उसका स्वागत किया गया। उनके साथ अधिवक्ता सतीश सिंह हानिया, किशुंग यादव और रामजी यादव भी मौजूद थे। यूक्रेन से सकुशल लौटी श्रुति रानी ने अपनी यात्रा के बारे में कुछ इस प्रकार से जानकारी दी है। रहे थे उस टाइम सुबह 5 बजे ब्लास्ट हुआ था। जैसे ही ब्लास्ट हम लोग सब उठे, डर गए कि ये क्या है, क्या चीज़ का इतना बड़ा धमाका हुआ। फिर सब बताए कि ये तो ब्लास्ट हो रहा है, कीव में ब्लास्ट हुआ है, सबसे पहला ब्लास्ट वही हुआ था। उसके बाद हम लोग सब बहुत घबरा गए कि क्या होगा। फिर न्यूज़ आई कि सारी फ्लाइटें बंद हो गई है 3-4 दिन के लिए। हम लोग सोचे 27 को हमारी फ्लाइट थी इंडिया आने की, तो फिर अब कैसे होगा, क्या होगा। फिर जो सीनियर्स थे वो बोले कि जो भी तुम्हारे पास सामान है जाओ जल्दी, पैसे जितने भी हैं निकाल लो, एटीएम में जाओ और जल्दी मार्केट जाओ, जितना भी सामान हो सके खरीद के ले आओ, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कितने दिन यहाँ रहना पड़ सकता है। तो हम लोग तुरंत सब गए, सामान लेके आए वहाँ से। फिर आने के बाद यहाँ आए, जल्दी जो भी हो सकता था खाना वाना बनाया अपने लिए किचन पे। फिर खाना को भी हम लोग सही से नहीं खा पाए थे, आधा खाना छोड़ के हम लोग जो भी हमारे पास जितना भी खाने का सामान था, पानी का सामान था, पानी की 5 लीटर की 2 बॉटल थी, 2 लीटर की 2 बॉटल थी, वो सब लेके हम लोग बंकर में। जब बैंकर में आप लोग थे तो कितने जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रहे होंगे? वहाँ जैसे कि हमारा एक बिल्डिंग है, एक हॉस्टल है, तो उस हॉस्टल में बहुत सारा रूम है नीचे बेसमेंट में, तो वहाँ पे 400-500 बच्चे थे। बंकर में तो थे हम लोग, जैसे ही बंकर में गए पहले तो वहाँ का जो जगह था उसमें पूरा गद्दे वद्दे बिछा के लगे थे। अब वैसे ही पाँव में बर्फ थी और वैसे ही गए, और नीचे का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री -4 डिग्री ऐसा था। और उस दिन कुछ आइडिया नहीं था कि हम लोग कितने देर तक रहना पड़ेगा, तो बस हमारे सीनियर ये बोले कि खाना पीना रख लो थोड़ा सा, और अपना जो भी पासपोर्ट है और जो मेन सामान है, मतलब जो एकदम ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादा ज़रूरी में सिर्फ पासपोर्ट था और वहाँ के ट्रांसलेशन की कॉपी थी हमारे पास पासपोर्ट की, और खाने पीने का सामान था, और मैं एक शॉल रख ली थी एक्स्ट्रा। जब वहाँ से निकली आप अपने वतन आने के लिए इंडिया के लिए, तो रेलवे स्टेशन या बॉर्डर गई होंगे? पहले तो रेलवे स्टेशन गए। तो जो जहाँ पे आप थी वहाँ से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या थी? वैसे तो कार वगैरह से 30 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम लोग सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक चल के गए। पैदल गई थी? पैदल। तो कितने किलोमीटर आप पैदल चली होंगी? 8 किलोमीटर होगा। तो वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो वहाँ की सरकार के द्वारा टैक्सी कार जिससे बच्चों को स्टेशन भेजा जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी? अच्छा, स्टेशन आने के बाद क्या वहाँ से ट्रेन? स्टेशन आने के बाद हम गए, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी वहाँ के लोग, लेकिन उनकी प्रायोरिटी थी कि वहाँ के लोगों को पहले निकाले, वहाँ के लोगों में भी बच्चे, फिर उनकी प्रायोरिटी, मतलब जो यूक्रेन के जो बच्चे लोकल के थे उनको पहले निकाला जा रहा था, और जो आप लोग बाहर कंट्रीज थे तो आप लोग की तरफ कोई खास नहीं? नहीं, मतलब वहाँ जो, मतलब हम जैसे फॉरेनर है, फॉरेनर में गर्ल्स को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, फॉरेनर जितनी भी हैं गर्ल्स में जाएंगी पहले, उसके बाद फिर बॉयज में जाएंगे। स्टेशन से होके फिर आप किस बॉर्डर पे आई? सोचिन बॉर्डर, क्योंकि एडवाइजरी है इंडियन एम्बेसी, पूरा हम लोग इंडियन एम्बेसी की सारी एडवाइजरी फॉलो कर रहे थे, हर एक एक एडवाइजरी को फॉलो किए। उन्होंने ये बोला कि आप लोग जितना जल्दी हो सके कार की खाली कर दो सारे इंडियन स्टूडेंट्स। वो जो है रशिया, उन्होंने थोड़ी देर के लिए वॉर स्टॉप किया है, तो आप जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही स्टॉप किया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी वो जगह खाली कर दो। फिर हम लोगों को कुछ नहीं सूझा, पर हमने झंडा पकड़े और चले। आप चूंकि इंडिया कंट्रीज थी और ये तिरंगे का काफी मान सम्मान मिला, तो ये भी सुना होगी ये तिरंगा पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स वहाँ थे वो भी इस तिरंगे को लेकर निकले। स्टूडेंट्स भी थे हमारे साथ, हमारे के एनएमयू के, उन लोगों ने भी ये झंडा पकड़ा।